कि क्या भविष्य में अगर मौका मिला तो क्या हमें राहुल सर राजनीति में दिखेंगे? देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे राजस्थान के अंदर 7 फेरे ही नहीं होते हैं, 7 बार एग्जाम पोस्टपोन भी होते हैं, 7 बार पेपर आउट भी होते हैं। तो उस मौके पर 7 बार पेपर आउट पर मुद्दा उठा पाए, विरोध कर पाए। मुझे बताइए सर कि टीचर्स की मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और टीचर्स की मेंटल हेल्थ पे कोई क्यों नहीं बात करता है? टीचर को हमेशा यूं सोचा जाता है कि एक टीचर है, जबकि शिक्षक वह सबसे बड़ा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पद मानता हूं, जो IAS बना सकता है, नेता बना सकता है, बड़े बड़े मिनिस्टर बना सकता है और बड़े बड़े बिजनेसमैन बना सकता है और बहुत बड़े सिविल सर्वेंट बना सकता है। हो सकता है हमारा जन्म एक कहलू के घर में हुआ हो सकता है हमारा जन्म एक छपरे के घर में हुआ हो, लेकिन हमारे माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा करेंगे, ये कसम मैंने नहीं, इन बच्चों ने खाई है। तो मैं बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि बच्चों के लिए राहुल सर है, पर राहुल सर के लिए कौन है? बहुत बिगेस्ट क्वेश्चन है ये जीवन का। वैसे तो मैंने कभी ऑन कैमरा कभी कहा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में एक इंसान का मोटिवेशन और डिमोटिवेशन इंसान खुद होता है। मैं तमाम उन गुरुओं का, क्योंकि आज आपने ये क्वेश्चन पूछा है, जिन्होंने मेरे को प्रारंभिक शिक्षा के लगाकर अब तक जो मुझे समय समय पर ज्ञान दिया है, उन तमाम गुरुओं को भी मैं नमन करूँगा। हर गुरु से हर चीज़ में मैंने कुछ ना कुछ सीखी है। तो मेरे गुरु बहुत सारे ऐसे हुए हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, इस मौके पर नरेश जी वेयर सर हुए हमारे, जिन्होंने पढ़ाने का तरीका उन्होंने सिखाया। जब मैं 9th क्लास में था गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फतेहसपुर में, अब बिलीव नहीं करेंगे, वो गुरु जी इसलिए याद आते हैं कि आज हम बोलना सबको आता है, लेकिन क्या बोलना है, किस समय, वो सबको नहीं आता है। उन गुरु जी का इतना आशीर्वाद है कि 9th क्लास के अंदर वो आधे घंटे पहले आके मुझे सवाल समझाते थे और उसी क्लास के अंदर वो बैठते थे और मुझे पढ़ने का पढ़ाने का मौका देते थे। तो वे नहीं इन 9th क्लास, जब मैं 9th क्लास में था तब मैंने पढ़ाना शुरू किया और आप सभी के स्नेह से मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छे टीचर बने, लेकिन जो चीज़ समझाते हैं इस बात की गारंटी बच्चा घर जाके किताब खोलेगा तो 100% किताब से ज़्यादा नॉलेज बच्चों का होगा। सो सर, काफ़ी सीरियस बातें हो गई, अब थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं। सर, हम आपके साथ कुछ एक छोटा सा गेम खेलना चाहते हैं, जिसके अंदर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनके फन वे में आंसर करना है। जैसा कि सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हैं, तो सभी के इंजीनियरिंग कॉलेज के किस्से होते हैं कुछ जो काफ़ी फनी होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। अपने कॉलेज लाइफ को कोई ऐसा इंसिडेंट सर जो आपको अभी तक याद आता हो और जो काफ़ी फनी और काफ़ी मेमोरेबल हो, ऐसा कुछ? क्लासेस बंक करी कि नहीं करी सर, पहले बताइए आज बच्चे के सामने। देखिए, मैं बताऊँ, जहाँ से मैंने बीटेक किया था वो गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज में इतने रूल्स, HOD हमारे इतने तेज हुआ करते थे, जिस दिन आपने क्लास बंक की है ना तो उसका डबल पनिशमेंट हमें अगले दिन दिया जाता है। कि जब मेरा एक दोस्त है संदीप, उस टाइम पे अभी मैं आपके सामने उसका जिक्र करूँगा, मेरा एक रूममेट रहा है संदीप जांगिड़, वो अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर अच्छा सीनियर इंजीनियर है, गुड़गांव के अंदर उसकी पोस्टिंग है। फनी टाइप के से था कि जिस तरह से कॉलेज में हम अंदर गए, कॉलेज के अंदर क्लास चल रही थी, तो अब मुझे गाना गाना नहीं आता है और न मुझे गाने में शौक है, अब दोस्त दोस्त होता है, अब रूममेट है तो इस तरह से ही। तो हमारे जो क्लास टीचर थे उस टाइम पे वो आए, तो ऐसे ही सैटरडे का टाइम था, कुछ बच्चे ही आए थे उस टाइम पर, तो उन्होंने कहा कि चलो इस क्लास के अंदर सबसे अच्छा सिंगर कौन। तो अब अपन तो सबसे पहले मुंह नीचे ही कर लिया, क्योंकि अपन को पता है कि अपन को तो गाना तो छोड़ो, अपन को अच्छे से कोई पोइट भी नहीं आती। अब हमें पता है कि हमारा दोस्त सबसे सच्चा होता है, वो HOD सर को खड़ा होकर बोले कि राहुल जितना अच्छा गाता है ना। अब फिर सच महीने में सर को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं देश पे बहुत अच्छा गाना गाऊंगा जिसमें प्रेम मोहब्बत इश्क हो। जैसे मैं उठा तो सर को बड़ा, जैसे देखा उनको लगा ये थोड़ा अच्छा गाना गाएगा, इस तरह से लोग बच्चे इंप्रेस हो, क्योंकि गर्ल्स भी पढ़ती थी बॉयज भी पढ़ते थे। फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा ये मेरे वतन के लोगों। आपने इतने सारे बच्चों को अभी तक पढ़ाया सर, कभी किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ हो जो आपको याद हो, ऐसा कुछ बच्चों के साथ? ये डेली फनी आते रोके जाते हैं। फिर भी कोई एक पर्टिकुलर ऐसा किस्सा हो जो आपको याद आ रहा हो अभी? मैं बताऊं आपको आत्मीय सर, कि डेली इनके चेहरे पर इतनी बढ़िया भीनी भीनी मुस्कान होती है, कब तक, जब तक मेरी क्लास नहीं हो। तो जैसे मेरी क्लास आती है एक आंख से पिछोला दूसरी आंख से बागी नाका चला जाता है। अगर राहुल सर टीचर नहीं होते, इंजीनियर नहीं होते, तो राहुल सर क्या होते हैं? सिंगर। ये हो सकता है कि मैं ऐसे गाता जैसे फटे स्पीकर। स्टिल सर, ऑन अ सीरियस नोट, कि आप क्या होते हैं अगर आप एक्चुअली टीचर इंजीनियर नहीं होते? आपको
मेरा ये मानना है कि मैं टीचर नहीं होता, इंजीनियर नहीं होता तो मैं एक अच्छा स्पीकर होता, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है जब बच्चा सामने बैठता है ना तो मुझे लगता है कि मेरे सामने जितने भी लोग बैठे युवा है, और युवाओं का उल्टा करे तो वायु बनती है, और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। तो मुझे लगता है कि लेकिन आज का युवा जो है ना, जो वायु गलत दिशा में जा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं यदि इंजीनियर, चूंकि मैंने नौकरी छोड़ चुका हूं तो मैं अच्छा इंजीनियर भी नहीं हूं, मैं अपने आप को मानता हूं, लेकिन मैं ये सोचता हूं इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद मैं अच्छा शिक्षक बन पाया, जिसकी वजह से मुझे अपने आप में प्राउड होता है कि मेरी बात को क्लास में बच्चे ढंग से सुनते हैं, और इवन दैट ज्ञान ज्योति में हर एक टीचर की बच्चे ध्यान से सुनता है। क्या राहुल सर मूवीज देखते हैं? हाँ मूवीज देखता हूँ। तो सर बच्चों की डिमांड पे, मेरी तो डिमांड यही है, बच्चों की भी है सर, किसी भी एक मूवी जो आपकी फेवरेट हो उसका या तो कोई गाना या एक डायलॉग, दोनों में से एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ये सर आज आपको करनी की नहीं करनी सर, बच्चों की ताली बच गई। या तो डायलॉग या मूवी, आपने बोला मैं अच्छा गाना नहीं गाता, तो मैंने बोला कोई बात सर आप डायलॉग नहीं, आपने ऑप्शन दिया क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव चार ऑप्शन बनते हैं। मैं आपको बताऊं गाने तो मेरे फटा स्पीकर है इसलिए सुन नहीं पाएंगे। ठीक है सर डायलॉग, लेकिन और अरे अच्छा अच्छा सर गाना और डायलॉग दोनों, गाना थोड़ा सा गा लेना पर गाना गा लेना सर, और डायलॉग सर पूरे फील में बोलना सर, आप टीचर वाली वाइब से छोड़ के वो जो कैरेक्टर जिसका बोल रहे डायलॉग उस कैरेक्टर में घुस के फिर बोलना सर। हमने सुपर 30 मूवी से हमने ये सीखा कि आपके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए आपको डगमगाना नहीं चाहिए। उसमें ऋतिक रोशन का रोल किया था, और मैं आप बिलीव नहीं कर, ऋतिक रोशन ने रोल किया था आनंद जी का, और मैं आपको बताऊं कि वो मेरे क्षण था जीवन के लिए जब हमने और पहला सर ने मिलकर पूरे सारे बच्चों को इन थिएटर, पहली बार हम बच्चों को थिएटर ले गए थे और बच्चों को दिखाई, क्योंकि उससे इंस्पिरेशन मिला। उसमें एक डायलॉग था जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, देखो तुम मर तो उसी दिन गए थे जिस दिन तुम गरीब घर में जन्मे थे, आज बार बार जीवन में क्या मरना, और रही बात ये मरने की जीने की सिलेक्शन नहीं होने की, आप सोच के देखो परिवार में कितने लोग डेली हर दिन मरते हैं गरीबी से, अन्याय से, शोषण से, तुम्हें यहाँ रह के परिवार घर बार परिवार समाज का और राष्ट्र का नाम रोशन करना है। बहुत शानदार है। अगर अगर कोई भी डायरेक्टर अगर कोई किसी भी डायरेक्टर ने अगर ये सीन देखो और सर को अगर कास्ट करना चाहते हैं तो हम आपको सर का नंबर दे देंगे, हम भी चाहेंगे सर को बहुत जल्दी मूवीज में देखना। कि सबसे पहला सर कि फ्यूचर में कभी भी अगर ये बच्चे कहे कि हम थोड़ा बहुत भी आपको पैसे देना चाहते हैं, थोड़ा बहुत भी हम फीस करना चाहते हैं, तो क्या कभी फ्यूचर में आप फीस लेंगे कि हमेशा आपका ये विजन है कि मुझे हमेशा फ्री में ही पढ़ाना है, कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा कि? देखो आत्मे के सर की आपके ऑन कैमरा में ये कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जब हमने इस चीज़ की शुरुआत की थी बहुत सारे लोगों ने मैं ये भी कहा कि सर आप कुछ नहीं इतने हज़ारों की फ़ीस आप फ्री में दे रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन का 1000 रुपये रख लीजिए, ये कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं। लेकिन मैं वहाँ अपने आप में टूट जाता हूँ कि हो सकता है किसी बच्चे के जेब में 500 भी नहीं हो। तो मैंने जिस दिन पहला सर से बात करके इस बात को लेकर कमिटमेंट किया कि आजीवन ये कोचिंग उन बच्चों के लिए फ्री रहेगा जो बच्चा यहाँ आके बैठकर पढ़ना चाहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान का और हमारी पूरी टीम का जो मैं विज़न समझ सकता हूँ, आने वाले टाइम में जिस दिन कभी भी राजस्थान के एग्ज़ाम चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम में कभी भी जीके का क्वेश्चन बने और क्वेश्चन में ये बने कि पूरे भारत में वह कौन सा कोचिंग संस्थान है जिसको निःशुल्क कोचिंग पढ़ाने में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो उसमें ऑप्शन ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान हो, ऐसा मेरा सर ये जो भी आप काम कर रहे हैं ये सब काम कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको करना चाहिए सर। तो आज एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे ऑन कैमरा पूछना चाह रहा हूँ सर कि क्या भविष्य में अगर मौका मिला तो क्या हमें राहुल सर राजनीति में दिखेंगे? देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये क्वेश्चन सही भी है क्योंकि आत्मीय सर की दुनिया में मैं ये मानता हूँ, मैं तो बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ और पॉलिटी में पढ़ाता हूँ, आज की जनरेशन में क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा कहता है ना मुझे राजनीति में जाना, पेरेंट्स की सोच होती है ये घटिया है, लोगों को लगता है, जबकि आज आपको पता है देश के लिए कानून बनाना है तो वो आप और हम मिलकर नहीं बना रहे, वो देश के संसद में बैठने वाले पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बना रहे हैं, और यदि वहाँ अनपढ़ लोग जाएंगे तो देश का कानून छोड़ो खुद के कानून नहीं बना पाएंगे। मैं तो युवाओं को कहना चाह रहा हूँ इस सदन के माध्यम से और आपके ऑन कैमरा कि जब लोगों की सोच होती है, गांव के अंदर एक पढ़ा लिखा सरपंच का उम्मीदवार होता है और एक अनपढ़ सरपंच का उम्मीदवार होता है, मैं कहता हूं गांव के लोगों की सोच अनपढ़ को जिता देंगे, पढ़े लिखे को हरा देंगे, उसका ईगो क्रेक करने के लिए, ये सोचने के लिए कि इसकी गुलामगिरी कौन करे। मैं ये सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा पढ़े लिखे लोग सदन में बैठेंगे, चाहे वो पंचायती राज को, चाहे वो मैं विधानमंडल की बात करूं, चाहे मैं वो लोकसभा राज्यसभा की बात करूं, आज की दुनिया में अनपढ़ लोगों को वोट देंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो सर आखिरी मैसेज हमारे जितने भी यहाँ पे पहले तो बच्चे बैठे उनको, आखिरी मैसेज हमारे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें, और आखिरी मैसेज पर उदयपुर के लिए। देखिए मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ क्योंकि चाहे वो मेरे बच्चों के लिए हो चाहे वो मेरे पूरी टीम के लिए,
उदयपुर या चाहे मेवाड़ की बात करूँ, वागड़ की बात करूँ, हाड़ौती की बात करूँ या शेखावटी की बात करूँ, राजस्थान स्पेशल मैं कहूँगा, क्या कारण है कि इंसान सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाता या सरकारी नौकरी में नहीं जा पाता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा पढ़ने जाता है, पढ़ने के लिए अपने आप में मोटिवेट होता है, तो कुछ लोग उसको जय चंद मिलकर उसको डिमोटिवेट करते हैं। नवल टाइम में कोई बच्चा हो सकता है गरीब घर में जन्मा हो, लेकिन अपने भविष्य में कलम जो हो सकता है 10 रुपये की हो, लेकिन इस कलम का इतना उपयोग करें, जिस फॉर्म को भरें उसमें सिविल सर्विसेज बन के जिस जगह साइन करें, सामने वाले का ट्रांसफर करा दे, वो 10 रुपये के कलम की ताकत आज के इस मैसेज के माध्यम से आपको मैं करना चाहूँगा। बिल्कुल सर। तो सर मैं भी कुछ अंत में कहना चाहूँगा सर, कि जब हम ये विजन लेकर आए थे कि हमें कुछ अनसंग हीरोज़ की एक स्टोरीज बतानी लोगों को, क्योंकि समाज में सर ऐसे कई लोग हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर शायद उनको लोग इतना जानते नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ सर कि हमारे जो हीरोज़ होते हैं वो नहीं है जिन्हें आप फिल्मी पर्दों पर देखते हैं, हमारे रियल हीरोज़ वो है जिन्हें आप कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर ही काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए हमने ये विजन स्टार्ट किया था सर। जब मैं इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था कि मैं किसे बुलाऊं सबसे पहला गेस्ट, तो मैंने काफ़ी मुझे ढूंढना पड़ा, मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी, फिर मुझे एक वीडियो क्लिक हुई जिसमें मैंने सर के बारे में पढ़ा, सर के बारे में एक वीडियो देखी मैंने, फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया तो मुझे सर के बारे में और पता पड़ा, फिर मुझे पता पड़ा कि जो मेरा उद्देश्य था जब मैं ये सीरीज चालू करने का, मेरा उद्देश्य था कि एक अनसंग हीरोज़ को आगे लाना है, तो मुझे सबसे पहले गेस्ट जो अनसंग हीरो मिले थे वो सर ही मिले थे उस टाइम। और मैं इसीलिए भी कहना चाहूँगा सर, क्योंकि एक कॉर्पोरेट नौकरी इतनी अच्छी लाइफस्टाइल, सर मैं आज पढ़ाई कर रहा हूँ सर कॉर्पोरेट नौकरी के लिए, ये बच्चे आगे जाकर नौकरी करेंगे, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ अलग साइड में रखकर आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे बच्चों को फ्री में पढ़ाना है, और आप एक रियल लाइफ में अनसंग हीरो है सर। और सभी यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं पूरे उदयपुर की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, और दिल से सलाम करना चाहता हूँ सर कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है सर कि मुझे आपसे मिलना हुआ, मैंने आपका इतना अच्छा इंटरव्यू लिया सर। मैं उदयपुर के लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप एक बार इस यहाँ पे जो संस्थान है इसको विजिट करिए। आपको थोड़ी मुश्किल आएगी ढूंढने में, पर इनके नंबर भी मिल जाएंगे सर के, उनसे पूछिए, यहाँ पे विजिट करिए, एक बार देखिए आगे माहौल, और थोड़ा बहुत भी अगर अपनी तरफ से कुछ हो सके तो कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। जैसा कि सर ने बोला कि वो लिक्विड मनी नहीं लेते, लिक्विड मनी में नहीं, किसी और तरीके से अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि प्लीज़ सर के लिए कुछ ना, सर के लिए नहीं, सर के इंस्टीट्यूट के लिए, जितने भी बच्चे आप जो पढ़ रहे हैं इन बच्चों के लिए कुछ करिए, कुछ अपना तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके तो करिएगा। और सभी उदयपुर वालों की वजह से, सभी उदयपुर वालों की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना टाइम निकाला। नमस्कार साथियों, मैं प्रहलाद मेघवाल आज ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग में उदयपुर लोक की पूरी टीम का स्वागत करता हूँ, जो आज हमारे हमारे संस्थान के बारे में हमारे लिए जानने आए हैं कि हम क्या करते हैं। हम ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग, जितने भी गरीब बच्चे हैं, इसके अलावा वह बच्चे हैं जो किसी न किसी कारण से शिक्षा में पिछड़े रह गए, उन बच्चों के लिए सरकारी नौकरी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बिल्कुल फ्री निःशुल्क कोचिंग करवाते हैं। तो मैं आज स्कूल टीम को जो हमारे यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करने आए हैं आज, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप ये बता रहे और हमारे बारे में आपने जाना, और आप इसे आप अपने चैनल पे चलाएंगे जिससे लोगों को भी पता चलेगा कि फ्री कोचिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, और कोई भी वंचित होगा तो आप उनको यहाँ भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।